दोस्तों कहते हैं कि कोई किसी से क्या इतनी नफरत करने लगेगा कि एक माँ का किरदार कलंकित हो जाए। दोस्तों कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि नफरत के चक्कर में कि उसके पति को बेटे से ना मिलने दिया जाए, इसके कारण अपने 4 साल के बेटे का कत्ल कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, ये इंटरनेट पे चल रहा है, इसके बारे में सर्च किया, मन बहुत व्यथित हुआ। समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग लव मैरिज करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब वही जोड़ा अलग होता है तो इतनी नफरत करने लगते हैं कि अपने सगे बेटे का ही मर्डर कर देती है एक माँ। दोस्तों ये घटना है 8 तारीख की, 8 जनवरी की, गोवा की। एक बैंगलोर से एक महिला प्लेन से आती है हमें घूमने के लिए 4 साल के बच्चे के साथ में। एक होटल में आकर के वो रुकती है, सोल बायल ग्रांड होटल के कमरा नंबर 404 में वो औरत रुकती है, और जब आती है तो अपने बच्चे के साथ आती है और बहुत खुश रहते हैं दोनों। वो गोवा घूमती है 2-3 दिन तक सब जगह पे, और अचानक वो 8 तारीख को होटल के रिसेप्शन में फ़ोन करती है 1 बजे रात को कि उसको बैंगलोर जाना है और उसको एक इमरजेंसी में टैक्सी चाहिए। होटल के लोग बोलते हैं कि मैडम यहाँ से जो बेंगलोर है वो 500 किलोमीटर दूर है, आप एक काम कीजिए प्लेन से चले जाइए। लेकिन वो जिद करने लगती, बोलती है मेरे को बाई रोड ही जाना है और मेरे को टैक्सी चाहिए। तो होटल वाले लोग टैक्सी का इंतजाम करते हैं, एक इनोवा टैक्सी आती है और वो टैक्सी में वो अपना सामान जो है रखती है, 2 बैग, उसमें से एक बैग जो है ज़्यादा वजनी रहता है, उसको ड्राइवर की मदद से वो रख देती है और चल दी जाती है। जब अर्ली मॉर्निंग होटल के कर्मचारी रूम को साफ करने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ जो है बिस्तर पे और कुछ नीचे खून के धब्बे दिखते हैं। वो इमीडिएटली जो है रिसेप्शन में कांटेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा रूम में प्रॉब्लम है। होटल का जो मैनेजर होता है वो तुरंत जो है कैलगुंट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है। 5 मिनट में पुलिस आ जाती है और पुलिस को सारी चीज़ें बताती कि हमारे होटल में जो है सिर्फ ये कमरा नंबर 404 में एक महिला रुकी हुई थी, उस रूम में जो है खून के धब्बे दिख रहे हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि वो महिला रात को गई, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होटल वाले उनको बताते। तो पुलिस इंस्पेक्टर क्या करता है कि जिस एजेंसी में इन लोगों ने, क्योंकि होटल वालों ने टैक्सी बुक किए रहते तो एजेंसी का नंबर रहता है, उससे फ़ोन करके ड्राइवर का नंबर लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर के नंबर पर फ़ोन करता है और ड्राइवर को बोलता है कि मैडम से बात कराओ। मैडम को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि आपके रूम में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, तो मैडम डरती नहीं है और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि साहब हमारा पीरियड चालू था, हो सकता है कि पीरियड का खून कहीं पे गिर गया हो। पुलिस इंस्पेक्टर जो है फ़ोन कट कर देते हैं और बोलते हो सकता है कोई गलती हो गई हो। लेकिन तभी होटल वाले उनको बताते हैं कि सर मैडम जब आई थी उसके साथ में एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब वो जा रही थी तो उनके साथ में बच्चा नहीं था। पुलिस को दिमाग ठनक जाता है, पुलिस को शक होता है, तो पुलिस फिर से फ़ोन लगाते हैं और मैडम से पूछती हैं कि आपका बच्चा कहाँ है। तो वो बोलती है कि हमारा बच्चा जो है हमने गोवा में एक अपने दोस्त के यहाँ छोड़ दिया, और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में उनको एक एड्रेस भी दे देती है। पुलिस जब उस एड्रेस का पता लगाती है तो पता चलता है कि उस तरह का तो कोई एड्रेस है ही नहीं। तो पुलिस क्या करती है कि इमीडिएटली ड्राइवर को फ़ोन करती है और कोंकणी भाषा में बोलती है कि तुम वहाँ पे जो भी नज़दीक में पुलिस स्टेशन रहे वहाँ पे गाड़ी लेके जाओ और वहाँ के जो भी पुलिस या इंस्पेक्टर रहे उनसे मेरी बात कराओ। वहाँ पे वो ड्राइवर उसी तरह से करता है और जाता है, बात कराता है। तो वहाँ पे जब ये जांच की पुलिस स्टेशन में है, चिल्लाने लगता है कर्नाटक के, तो वहाँ पे जो भी पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं क्या हुआ, और वो महिला भी समझ नहीं पाती तो वो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर से बात कीजिए। बात करते तो बताते हैं ऐसा ऐसा इनके सामान की आप चेकिंग कीजिए। जब उसकी सामान खोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि एक बैग में कुछ कपड़े के नीचे एक बच्चे की, 4 साल के बच्चे की लाश पड़ी हो, तो ड्राइवर बेहोश होकर गिर जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि वो 300-350 किलोमीटर एक लाश अपनी गाड़ी में लेकर के आ रहा है। इतने में ये लोग यहाँ पे की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, गोवा पुलिस वहाँ पे आती है। आने के बाद उस महिला को लेके जाते हैं पूछताछ में, जो पता चलता है वो सबसे चौंकाने वाली बात है। वो महिला का नाम रहता है सूचना सेठ, वो एक बंगाल की रहने वाली महिला होती है, उसका ये एज जो है 39 ईयर है और वो भारत के 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में आती है। दोस्तों उसकी शादी लव मैरिज जो है वेंकट रमन के साथ में 2010 में हुई थी और वो AI इंटेलिजेंट जो सिस्टम है उसकी एक कंपनी है, उसकी CEO है। दोस्तों इन लोगों के
शादी होने के बाद 8-9 साल तक कोई बच्चा नहीं होता। 2019 में इनके घर में खुशियाँ आती है और एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन इनकी 2020 में आपस में झगड़ा चालू हो जाता है और इन लोगों का तलाक का कोर्ट में केस चलने लगता है। और ये जो सूचना सेठ रहती है तो ये बच्चे को उसके बाप से मिलने नहीं देती, तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट आदेश देता है कि महीने में 4 दिन बच्चे से बाप मिल सकता है, वो दिन आप लोग डिसाइड कर लीजिए। लेकिन वो उसके पति से इतना नफरत करने लगती है कि वो अपने बच्चे को वहाँ से प्लेन से गोवा लेके आती है 6 जनवरी को, 2 दिन घूमती है और 8 तारीख को बच्चे का मर्डर कर देती है, अपने खुद के कोख के बच्चे को। आज समाज कहाँ जा रहा है, समाज क्या कर रहा है, मेरे को तो सोच के इतना दुख होता है कि कोई इतना नीचे गिर सकता है कि अपने जिस पति से प्यार किया था, शादी की थी, उससे नफरत के उसमें कि वो अपने बेटे से ना मिले, बेटे उसके बाप से ना मिले, इसके लिए उसने अपने सगे बेटे का मर्डर कर दिया, वो भी 4 साल के छोटे बच्चे का, और उसको मर्डर करके उसको बैग में फूस के उसकी लाश को भर देती है और वहाँ से इमरजेंसी के रूप में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें बताने का हमारा मकसद ये है कि आज कोई भी आदमी इतना दूर तक कैसे नफरत कर सकता है। ये कहानी आपको विचलित कर सकती है, ये कहानी आपको माइंड डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता है आज समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों ये कहानी थोड़ा अलग टाइप की है, बड़े समाज में या बड़े पैसा होने से कुछ नहीं होता है, गरीब लोग भी, गरीब माँ भी अगर उसके ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर कुछ भी हमला होता है तो वो शेर से नहीं यमराज से लड़ सकती है। लेकिन आज देखिए कैसे कैसे लोग हैं कि प्यार तो पति से करते हैं पर जब उसी पति के साथ में नफरत करते हैं तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ती, 4 बैग में भर करके उसकी लाश और लाश को भी ठिकाने लगाने के लिए बाई रोड बेंगलोर के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों ये घटना बताने का मेन मकसद था कि समाज में इस तरह की बुराइयां, इस तरह की कुरीतियां फैल रही कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी इस तरह से क्राइम करने से नहीं बाक आते। कभी भी सोचिए अगर आपके पास इस तरह के क्राइम करोगे तो कहाँ छुपोगे, कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाओगे, कितने क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों कभी भी इस तरह से क्राइम ना करें, समाज को एक उदाहरण दें, अच्छा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।